Why is the electrostatic potential constant throughout the volume of a conductor and has the same value on its surface as inside on the surface? As we know, electric field inside a conductor is zero due to the non-existent of any net charge. Okay, because of mutual repulsion, all the free charge, if you give it to it will come onto the surface due to mutual repulsion. एक दूसरे से रिपेल करते करते वो सबसे ज़्यादा दूर पर जाने की कोशिश करेंगे, और सबसे ज़्यादा दूर क्या हो सकता है? सरफेस पे. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो. वी नो दैट E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर. नाउ इनसाइड की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला जीरो है इनसाइड में, सो डी वी बाई डी आर विल बी जीरो फॉर इनसाइड. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ अ क्वांटिटी इज जीरो, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट. सो इनसाइड द टू पोटेंशियल्स आर ऑलवेज सेम, देयरफॉर वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. क्यों वी जीरो, वी कॉन्स्टेंट क्यों? बिकॉज डी वी बाई डी आर जीरो है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कैन बी जीरो, दैट इज डी आर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. ओके, सो दैट डिस्टेंस इज चेंजिंग बट देर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल, हैज डी बाई डी आर इज जीरो. नाउ दे आर ट्राइंग टू से कॉन्स्टेंट पोटेंशियल तो हमने साबित कर दिया है ऑन इट सरफेस. ये भी कहना चाह रहे हैं एज द सेम वैल्यू एज इनसाइड एज ऑन द सरफेस. तो जो सरफेस पे है पोटेंशियल वही अंदर भी होनी चाहिए. नाउ अगेन वी कैन राइट, एज वी नो देर कैन बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. सो अगर ये दो पोटेंशियल अलग अलग हो गई, जो सरफेस पे है और जो अंदर है अलग अलग हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट एक्सिस्टिंग. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? माइनस का डी वी बाय डी आर. अगर डी वी है, अगर डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है. और ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगी उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती भी है. एग्जाम्पल, अगर 6 वोल्ट है 2 वोल्ट है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस 6 to 2. सो अगर V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, अगर कोई भी दूसरे से बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो जाएगी. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती ना ऐसे ना ऐसे, कैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अंदर होती ही नहीं है, तो दोनों पोटेंशियल क्या होनी पड़ेंगी? सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए डीवी का जीरो होना जरूरी है. हेंस जो सरफेस पे वैल्यू है वही अंदर होगी, और अंदर भी वैल्यूज सेम होंगी, बिकॉज हमें हर कीमत पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो जस्टिफाई करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए होती है क्योंकि अंदर जो भी चार्ज आप देंगे वो सरफेस पे आ जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन.